देश में लगातार लाउडस्पीकर का जो विवाद गहराता जा रहा था, उसी क्रम में योगी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी नई परंपरा को जन्म नहीं दिया जाए, जो पारंपरिक आयोजन है उनको सशर्त अनुमति दी जाए और जो आयोजन करता है उनसे शपथ पत्र लिया जाए। इसके साथ ही चाहे वो हनुमान चालीसा हो या अजान, कहीं भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो तो जो लाउडस्पीकर की आवाज है वो धार्मिक कार्यक्रम स्थल से बाहर नहीं आनी चाहिए, तमाम एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। और ऐसे में आगरा की मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और जो योगी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर उनका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूँ, क्या लग रहा है आपको ये आपने चीजें जो गवर्नमेंट ने इस चीज जो कई सारे डायरेक्शन दिए हैं, टकराहट लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा है, अमन चैन से लोग रह रहे हैं, उसमें खलल पड़ रहा है, कुछ शरारती तत्व इसको हवा भी दे रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है? ये कहना है कि जो योगी जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि नई परंपरा होती है वो झगड़े की निशानी होती है, और अगर आपको जो पुराना आयोजन जैसे करते चले आए हैं अगर आप उसकी परमिशन लेके वो करते हैं, कहीं टकराव नहीं है, टकराव वही होता है कि जुलूस निकलना है यहाँ से और मैं निकाल के ले गया उस बस्ती की तरफ से, तो मैं वहां क्यों जाऊंगा, वही झगड़े की निशानी है। यानी प्रोवोकिंग एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून जब भी परमिशन देता है तो वो वहीं से देता है जहां टकराव ना हो, और ये हम नई परंपरा डालते हैं निकल के नए रास्ते से निकलते हैं वहां टकराव होता है, ठीक है, और मोहब्बत से रहना चाहिए। मोहब्बत से क्या कहना चाहेंगे सर, काफी उम्रदराज हैं आप भी, इस आगरा के बारे में, सुलह कुल की नगरी है, लगातार आप सब लोग प्रेम भाईचारे से रहते आए हैं, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है, और अब सरकार आई है, सामने आई है और कुछ टाइट टफ कुछ डिसीजन लिए हैं, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिन्दुस्तान हमारा। जब योगी सरकार पिछली बार 2017 में आई थी उस समय भी थोड़ा सा लाउडस्पीकर का थोड़ा सा मामला लाइट में आया था, उस वक्त प्रशासन ने एक परमिशन दी थी, उस परमिशन के अंदर सबको मस्जिदों को ही कहा था कि आप अपने मस्जिद का एड्रेस वगैरह जो भी जिस समय आपको कितनी परमिशन चाहिए, किस किस टाइम आपकी नमाज होनी चाहिए, तो जिन जिन को परमिशन मिलेगी वो अजान दे सकते हैं। उसमें सारी मस्जिद वालों ने कलेक्ट्री में जाके परमिशन ली, वो लिखित में आज भी मौजूद है, अगर कोई ऑब्जेक्शन सरकार को होता प्रशासन की तरफ से उसमें कोई ऑब्जेक्शन होता उसी समय होता, आज इतने साल बाद नहीं होता। ये जो नई चीज हुई है, ये जो नयापन आ रहा है, यही एक माहौल को बिगाड़ने की बात है। अजान से न किसी हिंदू को परेशानी है, किसी को परेशानी, न 40वें से किसी मुसलमान को परेशानी है। सुबह 5 बजे ताजमहल के पास हमारा एक मंदिर है बिल्कुल गेट के सामने, 4 बजे से वहां पर रिकॉर्डिंग भजन बजते हैं, अब से नहीं सालों से, मेरी अच्छी खासी उम्र है, बचपन से हम सुनते चले आए, नो प्रॉब्लम, बड़ी अच्छी आवाज लगती है सुबह सुबह का माहौल होता है। अजान तो सिर्फ 2 मिनट की होती है, हमारे 5 मिनट की अजान होती है, 2×5=10 मिनट होते हैं, पूरे 24 घंटे के अंदर तो अजान होती है। इस 2 मिनट के अंदर मैं समझता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं होनी चाहिए। ये टकराव बढ़ कैसे रहा है आपसे सर आगे आइए, ये टकराव बढ़ने की पीछे वजह क्या है, ये कौन लोग हैं, और अब जब सदियों से साथ लोग रहते आए हैं तो अचानक से इन मामलों को इन मुद्दों को तूल क्यों दिया जा रहा है? और हम भी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा कर रहे हैं वो भी अपनी प्रमाइसिस में हो, अजान है वो भी हो, अब सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं योगी जी का जो फैसला है उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई किसी को भी ऐसी परंपरा को शुरू करने का इजाजत नहीं दी जा सकती कि जिससे ये देश का माहौल खराब हो, प्रदेश का माहौल खराब हो। ये जो माहौल खराब किया जा रहा है, ये कौन सा तत्व है जो इसको कर रहा है, इसके लिए योगी सरकार को बहुत ही पैनी नजर से देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं। भाई ये हमारा एक जमाने से अजान का युगों से चला रहा है, अजान का, अजान कोई नई चीज तो है नहीं, और इतनी बड़ी और इतनी देर की चीज नहीं है, मात्र 2 मिनट एक अजान के अंदर लगते हैं और सारा दिन के अंदर ये 10 से 15 मिनट का मामला है, और उसमें किसी को ना कभी आपत्ति थी ना है। क्या आयोजन कोई करें आप, इसके लिए एक शपथ पत्र एफिडेविट आपको दाखिल करना होगा, इसमें आपको ये कहना होगा कि हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं, सारे नियमों के हिसाब से चलते हुए कार्यक्रम आयोजित होंगे, ये सारी चीजें भी अब आगे से देखने को मिलेंगी। ये परमिशन लेते हैं, देखिए परमिशन कोई भी, कोई भी धर्म की, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि जिस समय योगी सरकार फर्स्ट टाइम बैठी थी तो उस वक्त के ऊपर भी ये मसला उठा था, और इसके ऊपर तमाम मस्जिद कमेटियों ने अपनी अपनी जो है राय और अपनी जो परमिशन ली थी, और वो परमिशन मिलने के बाद वो काम चला रहा है,
तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कभी कोई भी काम अनलीगल तौर पर किया ही नहीं कि जिससे कि पब्लिक या प्रशासन को कोई कानून का सम्मान किया। आप ये देख लीजिए बाबरी मस्जिद से लेके और आज जो भी कुछ जो है मसले हुए हैं, गुड़ की मंडी का मसला हुआ, जहां भी कुछ हुआ, हमने हमेशा प्रशासन का साथ दिया और कानून का और माननीय उच्चतम न्यायालय का पूरा पूरा जो है सम्मान किया। क्या कहना चाहेंगे आप युवा है, आप देखो ये मुद्दे लाउड क्यों हो रहे हैं, लाउडस्पीकर के पीछे कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की जो शरारती तत्व हैं उनके मंसूबे लाउड हो रहे हैं, ये आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए जिम्मेदारी दोनों पक्ष क्यों नहीं अपनी अब जिम्मेदारी निभा सकते? देखिए पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये हमारी हिंदुस्तानियों की खुशनसीबी है कि हम एक आस्तिक कंट्री के अंदर रहते हैं और ये सारे मुद्दे जो है हिंदुस्तान के अंदर इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि हम सब लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, हम आस्थाओं से जुड़े लोग हैं, हमारे दिल जो है अंदर से बड़े मुलायम हैं एक दूसरे के प्रति। कुछ लोगों की वजह से आपसी टकराव कभी कभार हो जाते हैं। मैं पिछले 15 साल से दुबई में रह रहा हूँ, कभी मैंने इस तरीके की वहाँ कोई बात देखी नहीं है, लेकिन जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो इस तरीके की मुझे हर बार एक नई चीज सुनने को मिलती है जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस लोग जो है काफी ज्यादा आस्थिक लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को एक यूनाइट होकर रहना चाहिए। जब योगी जी ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों में आप लाउडस्पीकर बजाइए, लेकिन आवाज जो प्रमाइस से सबसे बाहर नहीं आनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहना? जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है मेरा मानना यह है कि उसको हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। हम लोग जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर हमारे ऊपर हमारा प्रिंसिपल भी स्कूल के अंदर हमें कुछ बताता था उसको हम फॉलो करते थे, इसलिए हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं। अच्छी सोसाइटी का एक कर्तव्य है कि जो हमारी सोसाइटी के हेड है उनकी बात को माने, अनुपालन से पूरा उसको हम फॉलो करें। अदनान आपका क्या सोचना है? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर देश में हमारी सांझी विरासत है और हम वासुदेव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं और हमारी देश की पहचान जो है वो इसी प्रकार से है। एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद विभिन्न धर्मों के विभिन्न मतों के लोग यहाँ साथ एक साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, हर खुशी गम में सब में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ तक ऐसे हैं जो देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे स्वामी यतीन नरसिंहाराम राव है जो वो गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत हैं, वो खुलेआम मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के लोगों पर कार्रवाई की जरूरत नहीं, कार्रवाई तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता यह है कि इसका सरकार का भी प्रयास उनको जो हासिल है, नहीं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त एक्शन लिए जाते तो ऐसी नौबत नहीं आती। अभी आपने देखा सीतापुर के अंदर बजरंग मुन्नी महाराज मुस्लिम महिलाओं की बलात्कार की बात कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? इन लोगों चाहे वो चाहे हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला, महिला महिला है, महिला का सम्मान होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लेकिन ऐसे लोग जब खुलेआम इस तरह की बात करते हैं, अभी मैं अभी सुबह ही देख रहा था मध्य प्रदेश के कोई कथावाचक है, वो कह रहे हैं बुलडोजर को आगे बढ़ा दो, हम बुलडोजर खरीद के लाएंगे। भाई देश के अंदर अदालतें किस लिए बनी है? अगर कोई कानूनी काम गैर कानूनी ढंग से कर रहा है तो सरकार उस पर अदालत में जाए, अदालत से उसके लिए आदेश लेकर आए। लेकिन इन्हीं चीजों को लेकर जो हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का जो मसला है, इन्हीं चीजों को लेकर जो गाइडलाइंस कल योगी जी ने जारी की उस पर आपका तो नहीं? मैं बिल्कुल योगी ने जो ये गाइडलाइन दी है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मुस्लिम समाज से अनुरोध करता हूं कि वो बाकायदा पूरे संयम से उन आदेशों का पालन करे। साथ ही जिनको चालीसा पढ़ना है हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने प्रेमिसिस में पढ़े, दिन भर पढ़े, रात भर पढ़े, हमें क्या आपत्ति है? हमारे मत के अनुसार हम अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और आपने जैसे अजान की बात कही तो अजान भी जो है मस्जिद के प्रेमिसिस में ही होती है। अगर कोई लाउडस्पीकर लगाए तो मस्जिद के प्रेमिसिस पे ही लगा हुआ है, आउट ऑफ प्रेमिसिस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ, आवाज प्रेमिसिस में ही है। मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट की उसमें गाइडलाइन है कि सुबह रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उसको मतलब परमिटेड नहीं किया गया है 6 बजे के बाद। साथ ही साथ उसमें जितने डेसीबिल पर उसकी साउंड होनी चाहिए उसका भी स्पष्ट तौर से 50 डेसीबिल की साउंड की बात जहां तक मेरी जानकारी है उसमें बताई गई है। उसकी परमिशन तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों ने इस पर निर्णय दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।